हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू हरना टू वॉच द मूवी एक विलन रिटर्न्स। देन गाइस चलिए साथ में देखते हैं किस तरह का मूवी है और आप लोगों को बताते हैं इसका रिव्यू। देन गाइस आप लोग बने रहें प्लीज ब्लॉग में। चलिए थैंक यू। देन गाइस हम लोग निकल रहे हैं, आप ये गोमुख ओवर ब्रिज है, इसी रूट से हम लोग निकलेंगे डायरेक्ट हरना। सिनेमा हॉल का नाम है श्री प्लाजा और काफी खूबसूरत ढंग से इसे बनाया गया है। अगर आप इसमें जाएं तो देखेंगे कि श्री प्लाजा जो है वो एक तरह से आईनॉक्स से भी मतलब बेस्ट बनाया गया है। आईनॉक्स की तरह ही बनाया गया, पीवीआर का मतलब फीलिंग आता है उस हॉल। देन गाइस चलिए आप लोगों को दिखाते हैं हॉल के बारे में, कुछ आप लोगों को नॉलेज दे देते हैं इसके बारे में। नाउ गाइस अब हम लोग ये आजाद नगर में पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से करीब 5 किलोमीटर के दायरे में है, ज़्यादा दूर नहीं है। चलिए देखते हैं। रिव्यू देखे तो काफ़ी लोग उससे बोले कि कुछ लोग बोले कि मूवी अच्छा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मूवी उस टाइप का नहीं, एवरेज है। लेकिन देखने के बाद ही पता चलेगा किस तरह का मूवी है। देन गाइस देख सकते हैं आप लोग, अभी हम टंकी में पेट्रोल ले रहे हैं ये बाइक। देन गाइस आप लोग देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत वेदर है और इस मोमेंट का एंजॉयमेंट लेते हुए हम लोग चल रहे हैं। वेरी नाइस। सावन का महीना काफ़ी पवित्र महीना है। कल ही हमारे मोहल्ले से ये बोलबम के लिए काफ़ी लड़के लोग निकले हैं और जिस तरह का मोमेंट है ना, वेरी नाइस, काफ़ी खूबसूरत मोमेंट है। खरियो पहुंच चुके हैं, खरियो फाटक में हम लोग हैं और यहां से करीब 2-3 किलोमीटर का दायरे में हरना पहुंचेगी। चलते हैं हम लोग यहां से, बस सीधा ही रूट है हरना जाने के लिए श्री प्लाजा। हम लोग अक्सर जाते हैं इसमें सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए, चाहे कि यहाँ क्वालिटी बहुत बेस्ट है। एक आईनॉक्स और पीवीआर का मतलब कि पीवीआर का एक्सपीरियंस वहाँ पे होता है, हम लोग फील करते हैं उस टाइप का, और काफ़ी बेस्ट और काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। बैठने का वहाँ पे जो चेयर वगैरह है काफ़ी बेस्ट है, फोल्डेबल टाइप का चेयर है वहाँ पे और किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होती, एसी वगैरह सब लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि वो सिनेमा हॉल है, पीवीआर को टक्कर देती है वो। देन गाइस चलिए तो गाइज अब हम लोग हरना चौक पहुंच चुके हैं, जस्ट यहां से राइट लेंगे और बस सामने करीब में ही है हरना चौक के जस्ट बगल में ही है यहां पे श्री प्लाजा सिनेमा हॉल। देन गाइज चलिए तो गाइज देख सकते हैं आप लोग एक विलन रिटर्न्स का ये बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है और हम लोग पिक्चर हॉल पहुंच चुके हैं, यहाँ से इन करेंगे। गाइस देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे श्री प्लाजा सिनेमा हॉल हरना। कोई टाइम नहीं हुआ है, कुछ देर के बाद अभी पिक्चर स्टार्ट होगी 11:30-11 बजे, काफी कम लग रही है। गाइस देखिए यहाँ पे टिकट काउंटर है, हम लोग यहाँ पे अभी जस्ट टिकट लेंगे, पहले ही कटा ले रहे हैं क्योंकि भीड़ होने के बाद नहीं मिल सकती है शायद। गाइस देख सकते हैं हम लोग टिकट ले चुके हैं काउंटर से। देन गाइस देख सकते हैं ये टिकट है, चलिए ये कुछ अंदर का इस तरह से दिखती है श्री प्लाजा। चलिए अंदर में लोगों से बात करते हैं और आप लोग को बताते हैं किस तरह का मूवी है। इसमें बहुत सारा
रिव्यू देख चुके हैं आप देखा यूट्यूब में, कैसा लगा? चलिए थैंक यू। कैसा मूवी है भैया? फर्स्ट टाइम देखने आया है। चलिए बहुत बढ़िया। इसका रिव्यू तो देखे होंगे? अच्छा लगा। चलिए थैंक यू गाइज। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे किसी प्रकार का गुटखा पान मसाला खैनी अंदर लेके जाने का सख्त मना है। तो ये हम लोग इन करते हुए अंदर में, वेरी नाइस। ये नेक्स्ट मूवी आमिर खान गाने वाला है लाल सिंह चड्ढा का। कुछ लड़के लोग यहाँ पिक खिंचा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं यहाँ पे। स्वर्गीय लालचंद महतो, आई थिंक इन्हीं का ये सिनेमा हॉल है, ऑनर है शायद ये इनका है। ये हम लोग सिनेमा हॉल में इन कर चुके हैं। गाइस अभी इंटरवल हुई है और फर्स्ट हाफ में मूवी काफ़ी अच्छी है, मुझे तो अच्छी लगी। तो देखते हैं सेकेंड हाफ में किस तरह का ट्विस्ट है। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहें, आगे देखते हैं। और आप देन गाइस मूवी देखने के बाद पता चला काफ़ी अच्छा मूवी है ये, हर लोगों को देखना चाहिए, बहुत बेस्ट है। एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है ये और देखने में काफ़ी अच्छा लगा ये मूवी। जॉन इब्राहिम का रोल इसमें बेस्ट था और एक विलन जॉन इब्राहिम ही था इस मूवी में। काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। नाउ गाइस अब हम लोग सिनेमा हॉल से निकल चुके हैं, मूवी ख़त्म हो चुकी है, अब निकलेंगे हम लोग घर की ओर। मेरा दोस्त अभी पार्किंग से बाइक निकाल रहा है, अभी जस्ट निकलेंगे थोड़ी देर में। मूवी देख करके बहुत अच्छा लगा ये मूवी और अच्छा एक्सपीरियंस रहा मूवी में। आई थिंक मूवी का पार्ट थर्ड भी आने वाला है, लास्ट में तो ऐसा दिखा। चलिए देखते हैं कब आएगी पार्ट थर्ड। देन गाइस अब निकल रहे हैं हम लोग। ये मेरा दोस्त बाइक लेकर खड़ा है, निकलते हैं। चलो लेट्स गो। हरना से ये हरना चौक हम लोग पहुंच चुके हैं, अब सीधे घर निकलेंगे घूमो। तो देन गाइस ब्लॉग में बने रहे हैं। काफ़ी अच्छी मूवी थी, देखने के बाद काफ़ी इन्जॉय आया, एक जगह भी ध्यान नहीं भटका मूवी में। मतलब कि 2 घंटा आपको मूवी में है ना ये टिकाए हुए रखा है। काफ़ी बढ़िया मूवी है, बेस्ट मूवी है ये। थैंक यू। आप लोग मूवी को एक बार ज़रूर देखें, काफ़ी अच्छी मूवी है, ठीक है। किसी और की बात पे नहीं जाने का कि मूवी क्या है, कैसी है मूवी, अच्छी है या ख़राब है, ठीक है। अगर आप जाएं एक बार एक्सपीरियंस खुद करें, मूवी अच्छी है, एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है ये, आपको सस्पेंस में रखती है। देन थैंक यू गाइज। अब हम लोग चलते हैं घर की ओर, हम लोग गोमो पहुँच चुके हैं, यहाँ पर ओवर ब्रिज में है। और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू। और एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे हम लोगों को बढ़ाएं। थैंक यू, धन्यवाद, प्लीज़।